दर्शन है कभी भी स्त्री को पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पति और यहां दर्शन दूसरा भी बता रहा हूं, पति और बड़े बेटे का नाम कभी मत लो, इससे उनकी आयु घटती है। हालांकि दर्शन तो यह भी है कि पुरुष को भी अपनी स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए। पहले बहुत पहले के समय में लोग अपनी पत्नी का भी नाम नहीं लेते थे, भाग्यवान आदि इत्यादि शब्दों का उपयोग करते थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाग्यवान बोलते थे, अब कोई भी वान हो बोलते बोलते भाग्यवान तो हो ही जाएगी। अरे एक चीज को जितनी बार बोलोगे वो तो सिद्ध हो ही जाएगा महाराज, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, बोला करो। सुबह सुबह श्रीमान जी के, श्रीमान जी सो रहे, लोटा लेके जाओ पति परमेश्वराय नमो नमः, उसके बाद जो होगा वो आप झेलना। प्रेम की बात कर रहा हूं, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा चलो, मैं अगर कोई कह रही है ये नहीं है आजकल नहीं चलता, नहीं तो फिर ठीक है हम दूसरे दर्शन की बात कर लेते हैं। कोई तुमसे बड़ा है, कोई तुम्हारे लिए सम्माननीय है, कोई व्यक्ति तुम्हें सहेजे हुए है, कोई व्यक्ति तुम्हारा दायित्व लिए हुए है, तो उसको सम्मान नहीं दिया जा सकता क्या? सम्मान देना तो हमारी परंपरा है, उस लिहाज से भी नहीं लेना चाहिए।